हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हमारे पास ना घर में इतना सारा वेस्टेज पड़ा रहता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि उसको दोबारा से इस्तेमाल में कैसे लाएं। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही ज़बरदस्त आइडियाज लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। जब क्लेचर टूट जाते हैं ना, या तो हम उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर। देखिए, जब भी क्लेचर टूट जाए तो उन्हें फेंकिएगा मत, इस तरह से इस्तेमाल में लाइए। ये डबल टेप होती है ना, टू साइड टेप, उसे लेना है छोटा सा पीस और क्लेचर के बैक साइड में, सीधी साइड में नहीं, बैक साइड में इसे पेस्ट करना, इधर नहीं करना। उसके बाद इसका पेपर हटा करना कहीं भी आप दीवार पर या फिर दरवाजे के पीछे हैंग कर दीजिए, तो ये एक की होल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें ना हम खूब सारी चाबियां हैंग कर सकते हैं। इधर उधर पड़ी रहती हैं, खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, टाइम पर नहीं मिल पाती हैं, तो ना तो हमें की होल्डर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बेकार पड़े सामान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी जो टिक टैक क्लिप होती है ना, उनका कलर उतर जाए या फिर एक कलर की खो जाए दूसरे कलर की बच जाए, तो ये देखिए दोनों अलग अलग कलर की हैं। आज मैं सोच रही थी कि इनको एक जैसी बना लूँ जिससे कि इस्तेमाल मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं इस तरह की ना टिक टैक वाली पिन यूज करती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने नेल पेंट, देखिए मैं रेड कलर और पिंक कलर ही इस्तेमाल करती हूँ नेल पेंट में ज़्यादातर। आप कोई भी कलर इस्तेमाल करते हैं ना तो वो लगा सकते हैं, और एक फ़ायदा और भी हो जाएगा कि आपकी मैचिंग वाली ये पिन बनकर रेडी हो जाएंगी। अगर आप अपने मनपसंद कलर का लगा लेते हैं तो, ये देखिए मैंने ना पिंक कलर इसके ऊपर कर लिया है नेल पेंट, और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही प्यारी एक जोड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, एक जैसी। पहले अलग अलग थी और अब हम इन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कितना अच्छा आइडिया। कई बार ना चैन बड़ा प्रॉब्लम करती है लगाते समय और खोलते समय, चाहे वो स्कूल बैग की हो या फिर वो हमारे पर्स की हो। तो क्या होता है कि जब हम इसे ज़बरदस्ती से खींचते हैं ना, तो क्या होगा कि रनर है जो वो निकल कर बाहर आ जाएगा और चैन हमारी ख़राब हो जाएगी। और रनर को तो चलो हम दोबारा से डाल सकते हैं, लेकिन जो इसके चैन के दांते होते हैं ना, वो आगे पीछे हो जाते हैं जब हम इसे ज़बरदस्ती खींचते हैं। तो एक छोटा सा काम ज़रूर कर लीजिए, अगर चैन इस तरह से टाइट से चलती है तो साबुन लीजिए नहाने वाला, और उसे इसके ऊपर घिस लीजिए। आप देखेंगे कि दो से तीन बार जब आप इसे लगाएंगे और खोलेंगे ना, तो चैन इतने आसानी से लग भी जाएगी और खुल भी जाएगी, बहुत सॉफ्ट तरीके से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि साबुन ना लगाएं तो इसकी जगह आप थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए, या फिर आप मोमबत्ती का मोम होता है ना जो, उसे घिस लीजिए। तो जब भी दिक्कत करती है चैन लगने में तो ये आइडिया आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ताले ना वैसे तो घर में रखे ही रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। और ये रखे रखे ना इस तरह से जंग खा जाते हैं कि ये ना तो लग ही पाता है चाबी से और ना ही खुल पाता है। तो क्या करते हैं ना, उसके अंदर ना सरसों का तेल भर देते हैं ताले के अंदर, फिर क्या होता है कई दिन तक वो तेल टपकता रहता है और पूरे हमारे दरवाजे को भी ख़राब कर देता है, और जो भी गलती से हाथ लगा दे तो पूरे हाथ कपड़े चिकने हो जाते थे। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि तेल की जगह अगर वैसलीन का भी इस्तेमाल करें ना, तो ना इससे भी ताला बहुत आसानी से खुल जाता है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम इसे लगा सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अब जो जंग था ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और हमारा एक पुराना ताला भी काम में आ जाएगा। तो तेल की जगह अगर आप वैसलीन भी लगाएंगे ना तो भी ये काम करेगा। अब आप स्टील की थर्मस ही ले लीजिए, चाहे वो चाय की हो या फिर पानी की। अब जो चाय वाली होती है ना, उसके अंदर तो इतना कालापन हो जाता है, ये देखिए यूज करते करते बहुत ही काली हो जाती है अंदर से, और साफ करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब स्टील का बर्तन है, इसमें जब तक रगड़ा ना लगाया जाए ना तब तक तो ये साफ होगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, थोड़े से चावल लिए, और ये मैंने साबुती चावल लिए हैं, अगर आप टूटे चावल लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। मेरे पास टूटे नहीं थे तो ये खीर वाले चावल थे। थोड़े से चावल डाले, एक से दो चम्मच, और गर्म पानी, फिर उसके बाद में ऐसे हिलाना स्टार्ट किया। मैं ये आइडिया ना कम से कम 6-7 साल से करती आ रही हूँ। मुझे बोतल को साफ करने के लिए ना किसी साबुन की ज़रूरत पड़ती है ना किसी ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, बस थोड़े से चावल डालती हूँ, गर्म पानी डालती हूँ, और सर्दियों में तो ना कई बार साफ करनी पड़ती है इस तरीके से, क्योंकि चाय का तो काम रहता ही है सर्दियों में, बार बार इसके अंदर भर कर रखना या फिर सफ़र करते समय चाय भर कर लेकर जाना, तो इस तरह से ना हो ही जाती है, स्मेल भी बन जाती है और काली भी पड़ जाती है।
थोड़ी देर घुमाना है 5 से 7 मिनट। ये देखिए अब जो कालापन था ना इसके अंदर वो सारा पानी में आ जाएगा, क्योंकि चावल है जो वो इसके अंदर टकरा टकरा कर इसकी जो गंदगी है कालापन है वो बिल्कुल एकदम से खत्म कर देते हैं। ये आइडिया जितना आपको देखने में अच्छा लगा, अगर इसे ट्राई करके देखेंगे ना तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए थोड़े से चावल बचे हुए हैं और पानी डालकर मैं इन चावलों को भी छान लूँगी। पानी में जो कालापन होता है ना वो सारा निकल कर आ जाता है। अब इसके अंदर पानी भरकर अच्छे से साफ कर लेंगे, एकदम से क्लीन हो जाएगी और जो स्मेल बनी रहती है चाय की वो दूर हो जाएगी, और दूसरा इसका जो कालापन होता है ना साइडों में वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये देखिए एकदम से चमक जाएगी। देखिए दादी नानी के नुस्खे कहने के लिए ही नहीं होते, अगर हम उन्हें आजमाएं ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे किसी को छाले हो जाते हैं तो उन्हें सही करने के लिए ना हम कैप्सूल खाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप इस नुस्खा का इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन मानिए कि 70% आपको रिजल्ट एक बार में लगाने से ही मिलेगा। इसके लिए देखिए थोड़ी सी मैंने 1/2 चम्मच के बराबर हल्दी ली है और 1/2 चम्मच ही शहद, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। बस 2 ही सामान है, कोई ज़्यादा नहीं है, और इस तरह का एक पेस्ट बनाकर हमने रेडी कर लिया है। इसे छाले के ऊपर लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद मुंह को थोड़ी देर के लिए नीचे कर लीजिए, मुंह से लारें गिरेंगी और ऐसे ही आपको 1 से 2 बार लगाना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है इसे लगाने के बाद में ना कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है और ना ही पीना है। इसे लगाने से पहले आप खाना पीना खा लीजिए तभी इसको लगाना, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जब भी हम नई शर्ट लेकर आते हैं तो इसमें प्लास्टिक की 2 इस तरह से क्लिप्स जैसी आती हैं, ये देखिए। अब हम नई शर्ट को तो निकाल लेते हैं लेकिन इन्हें हम फेंक देते हैं ऐसे ही। देखिए वेस्ट सामान है फेंकने वाला, लेकिन इसका यूज ना हम जो हमारे मसाले के पैकेट होते हैं ना उनको पैक करने के लिए कर सकते हैं। बहुत टाइट होती हैं, लगने के बाद तो इस तरह से पकड़ कर लेती हैं पैकेट को कि इसका जो रखा हुआ सामान रहता है ना अंदर का बिल्कुल भी नहीं फैलता है। कभी भी सामान को खुले में मत रखिए, क्योंकि हवा लगने के कारण सामान ना जो इसके अंदर रखा रहता है वो जल्दी खराब होता है। हमेशा इसे डब्बे के अंदर भर कर रखिए। देखिए घर में ना छोटे छोटे कपड़े ऐसे बचे पड़े रहते हैं या फिर पुराने बेडशीट टॉवल वगैरह, तो उनमें से छोटे छोटे इस तरह से पीस कट करके एक डब्बे के अंदर भर कर रख लीजिए। जब किचन साफ करना हो ना हमें तो 1 पीस लीजिए और उसे गीला करके हम अपने गैस और स्लेव वगैरह को साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें यूज एंड थ्रो कर सकते हैं और या फिर इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। कई बार ना जो हमारे चश्मे की ये डंडी होती है ना ये लूज हो जाती है और बार बार ये गिर जाती हैं कान के पास से, टाइट नहीं रहती हैं, तो इनके लिए ना या तो धागे का यूज कीजिए आप बांधने के लिए इधर, या फिर इस तरह से रबर को लगा लीजिए तो एक इधर ना एक यहाँ पर नोट जैसी लग जाएगी जिसकी वजह से इतने अच्छे से पकड़ कर जाती है जब हम लगाएंगे ना तो कान की जगह से ये बिल्कुल भी फिसल कर नहीं गिरने वाली हैं, एकदम से टाइट हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।